गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का पेपर जो 3 है अपना, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसका पार्ट बी जो है लॉजिकल रीजनिंग, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि कैसे हमें 20 में से 20 नंबर लेके आने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमको बहुत ढंग से करना है, ये सब चीज़ आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं हमको क्या पढ़ना क्या क्या है। बड़ा पेपर 3 में एक चीज देखेंगे हम लोग, पेपर 3 में हम नंबर कैसे ला सकते हैं, पेपर 3 में हमारे नंबर कैसे आ सकते हैं। ठीक है, अभी तो देखिए, पहले मैं टॉपिक लिखवाता हूं आपको ना। देखिए पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए बिजनेस जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये हमारे 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो हमारे 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। ठीक है बेटा, और स्टैटिक्स का पार्ट कितना है हमारा? 40 मार्क्स का। और ये पेपर MCQs होता है, OMR पे होता है। ठीक है, ये पेपर कैसा है हमारा? MCQs, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और ये पेपर जो होगा हमारा MCQs होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं हमको, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। सबसे बड़ी बात है, कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं जो हमें अच्छे नंबर दिला सकते हैं रीजनिंग के अंदर। आपके टोटल 4 टॉपिक है, जब शुरुआत हुई थी इसको डालने के पीछे सब्जेक्ट को CS2 की तरफ से, तब इसमें 5 टॉपिक थे, एक स्लॉस का टॉपिक हटा दिया, अब मेसेज से 4 टॉपिक है हमारे पास। देखिए पहली चीज, एक तो नंबर सिस्टम है हमारा, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सिस्टम कोडिंग डिकोडिंग एंड, लिखिए बेटा एंड, ऑड मैन आउट, ऑड ऑड मैन आउट, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा। नंबर सीरीज लिख लीजिए, नंबर सीरीज हो गई, लेटर सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लेटर सीरीज। अगला लिखिए बेटा डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अगला लिखिए ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन शिप। और फोर्थ लिखिए बेटा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। पजल, पजल भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये 4 टॉपिक है और ये 20 नंबर के हमारे आते हैं एग्जाम में, 20 नंबर यहां से कवर होते हैं हमारे इन टॉपिक से। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा देखिए, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ऑड मैन आउट। चैप्टर सेकंड जो है वो है हमारे पास डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशनशिप्स और सिटिंग अरेंजमेंट टेस्ट या पजल। इसमें मैं रैंकिंग ऑर्डर के भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है CS2 यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले। ये 4 टॉपिक हमारे हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन,
सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, रैंकिंग और ऑर्डर। अब देखिए हम यहां पे क्या एक्स्ट्रा करेंगे, हम सब यहां पे क्या एक्स्ट्रा, देखिए 100 क्वेश्चंस ईच टॉपिक, टोटल 400 क्वेश्चंस, इसके अलावा बेटा प्लस स्कैनर, एमडीपी और आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर, ये भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। बहुत वास्ट रीजनिंग की स्टडी होगी आपके पास, लिखिए एक बार समझिए। आइए बेटा अब मैं एक एक चीज समझाता हूं आपको बेसिक तरीके से। इसमें एक टॉपिक और दे रखा है हमारा, ठीक है, ये तो हमारा सिलेबस है पूरा। अब हम इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, मुश्किल से हमारी जो क्लासेस होगी वो कम से कम रहेगी 20 के आसपास, 20 क्लासेस रहेगी हमारे पास इस टॉपिक के लिए, यानी रीजनिंग जो है 20 क्लासेस में हम लोग पूरा एंड कर देंगे कवर। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, स्कैनर हम साथ साथ सॉल्व करेंगे और एमटीपी और आईटीपी तो साथ साथ सॉल्व करेंगे। आगे चलिए, देखिए स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है हमको, स्टैटिस्टिक्स में ये हमारे 40 नंबर कवर करेगी, 40 मार्क्स है ना, 40 मार्क कवर करेगी हमारे। अब देखिए बेटा कौन कौन से टॉपिक है जो हमको पढ़ने हैं और उनका अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं। सबसे पहले कहेंगे स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटास, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशंस, टेबुलेशन फॉर्म, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशंस, टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखाएंगे, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहां पे। देखिए इसके बाद मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके बाद देखिए बेटा इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए मीन एक्स बार, मीडियन एम, मोड जेड, ये तीनों चीजें पढ़ाई जाएगी आपको, मीन मोड और मीडियन। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे डिस्पेंसन, डिस्पेंसन लिखो, देखिए क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, देखो पहले तो रेंज पढ़ेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन,
लिखिए, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशंस, बीकॉम में भी काम आएगा हमारे, आगे लिख लिए कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस, कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस। लिखिए इसके बाद, यहां लिखिए प्रोबेबिलिटी फोर, लिखिए थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन, लिखिए इसके बाद लिखिए लिखिए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। छठा लिखिए इंडेक्स नंबर, लिखिए इंडेक्स नंबर। ये वाला पार्ट हमारे 40 मार्क्स का है कंप्लीट। स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक से। आ जाइए, यहाँ तक हमको पूरा सिलेबस का एक निचोड़ समझ में आ गया कि हमको पढ़ना क्या है, बस आगे चलिए। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको याद करवाता हूँ, वो याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले लिखिए नंबर सीरीज, जैसे ये आए आपके एग्जाम में, पूछा अगला नंबर कौन सा आएगा, इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा। तो देखिए एक बार सीरीज चेक करते हैं हम लोग। देखो वन से फाइव जब सिक्स में जाएंगे तो प्लस वन हो रहा है, सिक्स से जब एट में जाएंगे तो प्लस टू हो रहा है, एट से प्लस इसमें जाएंगे तो प्लस थ्री हो रहा है, या प्लस फोर हो रहा है, तो अगला प्लस फाइव हो जाएगा। और फिफ्टीन प्लस फाइव जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चा, ट्वेंटी। कितना आ जाएगा, ट्वेंटी। क्या आ जाएगा, ट्वेंटी। ये क्वेश्चन हमें आने चाहिए, इसको बोलते हैं नंबर सीरीज। क्या होती है नंबर सीरीज? एक आपके लेटर सीरीज का भी क्वेश्चन आ जाता है, लेटर सीरीज। आइए नंबर सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लिखवा देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सको, ठीक है? लेकिन सबसे पहले लिखिए स्क्वायर रूट, लिखिए क्यूब रूट्स। देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है,
जब किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है स्क्वायर। एन को जब एन से मल्टीप्लाई करते हो क्या एन स्क्वायर। जब एन को मैंने एन से मल्टीप्लाई किया जो उसका प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट को फिर हमने किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करा उसी नंबर से तो इसको क्या बोलते हैं हम एन की पावर 3 यानी एन क्यूब। क्या बोलते हैं एन क्यूब। लिखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 कैसे बेटा 2 जा 4, 3 जा 9, 4 का क्यूब कितना होता है 16, स्क्वायर कितना होता है सॉरी 16 क्या होता है बेटा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 6 × 6, 7 × 7, 8 का स्क्वायर 64 कितना होता है 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब यहां पे एक चीज देखिए इंपॉर्टेंट, जिन नंबर्स के एंड में 2, 3, 2, 3, 7 आ जाता है 2, 3, 7 और 8 कोई भी नंबर जिनके यूनिट डिजिट पे कौन से डिजिट पे यूनिट डिजिट पे वंस प्लेस के ऊपर अगर 2, 3, 7 और 8 आ जाता है तो नंबर कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लिखिए क्यूब रूट, लिखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, 2 जा 4 और 4 जा 8। लिखिए 3 का क्यूब निकाले 27, 3 जा 9 और 9 थी जा 27, 4 का क्यूब निकाले 64, 4 जा 16 और 16 4 जा 64। आ जाओ 5 का स्क्वायर निकाले 5 का क्यूब निकाले 125, 5 जा 25 और 25 जा 125, 6 का क्यूब निकाले 216, 6 जा 36 और 36 जा 216, 7 का क्यूब निकाले 343, 77 जा 49 और 49 7 जा होता है 343, 8 का क्यूब निकाले लिखिए बेटा 512, 8 जा 64, 64 8 जा कितना होता है 512, 9 देखिए 99 जा 81 और 81 9 जो था 729, और 10 का क्यूब 1000 क्या होता है 1000। क्या होता है बेटा 1000।
आ जाइए बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आ जाइए सॉल्व करें। अब लिखिए अब लिखिए बेटा अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर। एक होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ऑर्डर, और एक होता है बेटा बैकवर्ड ऑर्डर, बैकवर्ड ऑर्डर। फॉरवर्ड ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर आ जाओ, ए बी सी डी और ई, 1, 2, 3, 4 और 5, F G H I J, 6, 7, 8, 9, 10, K L M N O, Kings 11 Punjab, 12, 13, 14, 15, P Q R S T, P16, Q17, R18, S90 और T20, U V W X Y, देखिए 21, 22, 23, 24, 25 और Z के लिए देते बेटा 26, क्या लिख दो बेटा 26। आइए ये तो हो गया फॉरवर्ड, ये तो हो गया फॉरवर्ड ऑर्डर, क्या हो गया फॉरवर्ड, क्या हो गया बेटा फॉरवर्ड हो गया। आप फॉरवर्ड ढंग से याद कर लीजिए, बैकवर्ड आपको अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें दिक्कत। देखो 13, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 15, जी एच आई, जी एच आई 7, 8 और 9, जी एच आई 7, 8 और 9। आइए अब हम लिखते हैं बैकवर्ड, क्या लिखेंगे बैकवर्ड, कुछ नहीं करना, बैकवर्ड का फॉर्मूला याद कर लो, बैकवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड लिखिए। देखो 27 माइनस राइट ऑर्डर, 27 माइनस राइट ऑर्डर कैसा है 27, देखिए जब हम बैकवर्ड चलेंगे तो जेड 26 था, अब वो कितना हो जाएगा 1, वाई 25 तो कितना हो जाएगा 2, एक्स 24 था वो कितना हो जाएगा 3, डब्ल्यू 23 था वो कितना हो जाएगा 4, वी 22 था वो कितना हो जाएगा 5, यू कितना हो जाएगा 6। देखिए सबका टोटल करके देखो 27 आ रहा है, 26 + 1 27, 25 + 2 27, 24 + 3 27, 23 + 4 27, 22 + 5 27, 21 + 6 27। ये लो, आप कुछ नहीं करना हमको, देखो जैसे मुझे पी निकालना है, 27 में से 16 माइनस कर लो, क्योंकि पी का राइट ऑर्डर कितना है 16, पी का राइट ऑर्डर कितना है बेटा 16, कितना है 16, तो 27 में से 16 माइनस करो कितना हो जाएगा 11। चेक करते हैं यहाँ कितना हो गया, ये देखो 7 या 8 या 9 या 10 और यहाँ 11, कितना आ रहा है बेटा पी का बताओ 11। अब देखो क्यू आता है 12 पे, क्यू आता है सॉरी 7, क्यू आता है 17, कितना आता है 17 पे, तो देखो 17 माइनस करो कितना आता है 10, कितना जाएगा 10 आ रहा है। अब देखो एल आता है 12 पे, एल किस पे आता है 12 पे, तो 20 में से 12 माइनस कर लो कितना नंबर आ जाएगा 15, चेक कर लो एक बार बैकवर्ड कितना नंबर है 15 है क्या, 11 आ गया, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 13 आ गया, यहाँ 14 आ गया, क्या 15 आ रहा है क्या, हाँ सर 15 आ रहा है एल। अब देखो मैंने बताया था जी
एच और आई, जी एच और आई, 7, 8 और 9। देखो अब जी देखो, जी का राइट ऑर्डर कितना है बेटा? 7। एच का कितना है बेटा? 8। आई का कितना है बेटा? 9। कितना है बेटा? 9। अब देखो 27 में 7 क्या तो कितना बचेगा? 20। 27 में से 8 क्या तो कितना बचेगा बेटा? कितना बचेगा? कितना बचेगा बताओ? 19। और आई कितना बचेगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। चेक कर लेंगे एक बार, देखो 16 या 17 या 18। आई क्या 18 प्यारा है क्या? यस सर 18 प्यारा है। ये कितना आ गया? 19। सर एच 19 प्यारा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। जी देखे बेटा, जी कितने पे आ जाएगा? 20। जी 20 है ना, जी 20 हो गया हमारे पास। जी 20 याद कर लो, जी 20 ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। फिर देखो एफ आता है 6 पे, तो 27 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 21। ये देखो यहाँ 21 आ गया, यहाँ 22 आ गया, यहाँ 23 आ गया, यहाँ 24 आ गया, यहाँ 25 आ गया, और यहाँ कितना 26। ये लो पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व कर दिया अपन ने, कुछ नहीं करना। 27 में से राइट ऑर्डर माइनस कर लो, 27 में से राइट ऑर्डर माइनस करना है बस, 27 में से राइट ऑर्डर माइनस करना है, कुछ नहीं करना उसके अलावा, बस ये याद कर लो आप। रटना वटना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है बस। आइए क्वेश्चन लेते हैं, चले देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, 1, 4, 9, 16, 25, 36 अगला नंबर पूछो कौन सा है। अब देखो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, अगला इसका हो जाएगा 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर कितना आता है बेटा? कितना आता है? 49। कितना आता है बेटा? 49। कितना आता है? 49। कितना आता है बच्चा? 49। कितना आता है? आप देखो इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको बिठा रहा हूं मैं, आइए अब देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है? +3 बढ़ रहा है। हाँ सर, सर यहाँ बढ़ रहा है +5 बढ़ रहा है बेटा। सर यहाँ बढ़ रहा है +7। सर यहाँ बढ़ रहा है +9। कितना बढ़ रहा है? +9। तो यहाँ पे अगर हम 11 बढ़ा देंगे तो 25 + 11 कितना होता है बेटा? 36। कितना होता है? 36। ये दूसरा तरीका, ये दूसरा तरीका। अब देखिए अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये तो हमारा बेसिक तरीका है। अब देखो ए इक्वल टू हो गया 1, बी इक्वल टू हो गया 2, सी इक्वल टू हो गया 3। तो पूछा एबीसी का मतलब क्या हो गया? सर 1 2 3 1 2 3 सिंपल। अब पूछा ए इक्वल टू 2, B इक्वल टू 4, तो C इक्वल टू क्या होगा भाई? A आता है 1 पे, हमने 1 का क्या कर दिया? डबल। कितना हो गया? 2। B किस पे आता है? 2 पे, हमने 2 का कर दिया डबल। कितना हो गया? 4। C आता है 3 पे, तो 3 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 3 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा सर? 9। यानी इसका क्या कर दिया हमने? स्क्वायर। देखो सॉरी एक मिनट, वो दिखा है
देखो एक पूछा एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल, एप्पल एक वस्तु दे रखा है, फिफ्टी, बड़ा कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। अब लिखा बनाना, बनाना कितना आएगा, देखो देखो ये 50 कैसे बना, देखो 50 कैसे बना, देखो सर ए आता है 1 पे, पी आता है 16 पे, फिर एक पी आता है 16 पे, आता है, हाँ सर, एल आता है 12 पे, के याद है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, के एल, एल किस पे आता है 12 पे, ई किस पे आता है 5 पे, किस पे आता है 5 पे। अब चेक करो सर 32 प्लस 1 33 और ये कितना हो गया सर 17, कितना हो गया सर 17, सर आंसर कितना आ गया 50, सर कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। आ जाओ बनाना लिखते हैं, बनाना क्या लिखे, बनाना तो बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे, एन किस पे आता है 13 14 और 15, तो एन आएगा 14 पे, राइट से किस आएगा 14, यानी फॉरवर्ड चेक करेंगे तो कितना आएगा 14, ए आ गया 1 पे, फिर 14 आ गया, फिर 1 आ गया, सिंपल। तो देखो 15 15 30 31 और 3 2 33, 31 प्लस 2 कितना हो गया 33 33, कितना हो गया 33, कितना हो गया 33। आ जाइए, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं, देखिए अगर आपसे ये पूछा, देखो मैं आपको एक दो चीज और लिखवाता हूं, देखिए आइए फटाइए कुछ कुछ, लिखो लिखो प्राइम नंबर, सर लिखो कंपोजिट नंबर, बच्चा लोग कंपोजिट नंबर लिखो, आ जाओ देखो प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको बताता हूं, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या और इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, लिख लीजिए एक बार, अभाज्य संख्या और इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, लिखिए लिखिए, एक तो वन इज नीदर ए प्राइम नॉर ए को प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर, वन ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ध्यान रखना, क्योंकि वन से वन के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता, वन से वन से डिविजिबल होता है, ठीक है बेटा। तो देखो अब देखो प्राइम नंबर देखिए 2 3 5 7 11 13
17 और 19। अब देखो ये क्यों है नंबर, देखो जब हम 2 के फैक्टर बनाएंगे, 2 के गुणनखंड बनाएंगे, तो 2 एक तो 1 से जाएगा और एक 2 से जाएगा, ठीक। देखो एक तो 1 से जाएगा और एक 3 से जाएगा, जिसके सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो सकते हैं, सिर्फ वही नंबर क्या होता है बेटा हमारा प्राइम नंबर होता है। आगे लिखिए, ये नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर, ये नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, इट्स कॉल्ड एज प्राइम नंबर। वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, बस सिंपल। अब लिखते हैं हम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 तो होंगे होंगे, 2 तो होने चाहिए, उससे ज्यादा भी होगा। देखिए बेटा यहां समझिए एक बार, देखो जैसे आ गया हमारे पास 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24। अब चेक करते हैं, इतने नंबर तो सर आपने लिख दिए, अब हमें बताओ, बताते हैं बेटा, आ जाइए आ जाओ। देखो 4 देखो, ठीक है। देखो अब 4 कैसे हुआ, देखो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, जिसके 2 फैक्टर होंगे वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। देखिए 6 देखिए सर, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है, तो ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। क्या हो गया बेटा, कंपोजिट। अब इस बार यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था और वो आपके सीए फाउंडेशन में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं उसके अंदर। उसमें सारे नंबर दे रखे थे, सबके सब क्या दे रखे थे, प्राइम नंबर, लेकिन एक नंबर दे दिया 91 जो कि क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर है। कैसे, देखो 91 दे दिया हमको। अब देखो 100 तक तो याद होनी चाहिए हमको 1, ठीक बेटा। अब देखो ये नंबर देखिए 3 से नहीं जाएगा, ये नंबर 7 से जाएगा, क्योंकि देखो 7 का रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी का रूल, कि यूनिट डिजिट को डबल करो और माइनस कर दो, कितना हो गया 7, सर 7 से जाएगा। अब देखो 13 7 से कितना होता है 91, और 91 बन जाए 91 हो गए, 4 फैक्टर हो गए, तो ये नंबर क्या बन गया हमारा, कंपोजिट नंबर। क्या बन गया बेटा, कंपोजिट नंबर। लिखिए आगे, कंपोजिट नंबर लिखिए बेटा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे सेशंस को। तो जो मैंने पढ़ाया उसको आप ढंग से पीजिए, पढ़िए, और जो भी कोई चीज़ हो तो हम उस पर बैठ के बात करेंगे, ठीक है। हाँ, आप ढंग से पढ़िए जो भी हमने पढ़ाया आज, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है।